जब डाइट भी काम ना आए तो वजन कम करने के 10 तरीके। अमेरिका के बड़े विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की स्टडीज के परिणामों के अनुसार 5 में से केवल एक व्यक्ति ही एक्स्ट्रा वजन कम करने में कामयाब रहा है। वजन कम करने जैसे कठिन कार्य के मुश्किल कारणों में से एक है प्लेटो इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेटो इफेक्ट क्या होता है। तो ये एक ऐसी घटना है जहां सभी प्रयासों के बावजूद वजन कम होना बंद हो जाता है। बेशक जब कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है तो लोग डिसअपॉइंटेड से हो जाते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपको इस प्लेटो इफेक्ट से जीतने का तरीका बता दें? वेल, हमने वैज्ञानिक रूप से वजन कम करने के कुछ अच्छे तरीके खोजे हैं, तब भी जबकि आप प्लेटो फेज से गुजर रहे हो। क्या है वो तरीके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वेट लॉस गाइड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल का आइकन भी जरूर रिंग कर दीजिएगा। इससे आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आसानी से पा सकते हैं। तो पहला है वेट ट्रेनिंग करें। हालांकि कार्डियो वर्कआउट की तुलना में वजन कम करने के लिए वेट ट्रेनिंग करना कम प्रभावी होता है, लेकिन वे मेटाबॉलिज्म के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो कि तब बहुत जरूरी हो जाता है जब आप एक लॉन्ग टर्म डाइट पर होते हैं। वेट ट्रेनिंग मेटाबॉलिज्म को और भी फास्ट कर देता है और शरीर को लो एनर्जी कंजम्पशन मोड में जाने नहीं देता है। लेकिन याद रखिए कि वर्कआउट के बाद कुछ प्रोटीन खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपको कोई एक्स्ट्रा फैट भी नहीं होगा। दूसरा है हर सप्ताह अपना कैलोरी इंटेक बदलते रहें। जब हम डाइट पर होते हैं तो हमारा शरीर भोजन की कम मात्रा लेने का आदी हो जाता है, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर नए तरह की लिविंग कंडीशंस को अडेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा पाउंड को बनाए रखता है, भले ही उसे कुछ खाना ना मिले तब भी। और जब आप कम कैलोरी इंटेक शुरू करते हैं तो शरीर समझ जाता है कि ये एक सही फैसला था। शरीर को एडजस्ट करने के लिए आप कैलोरिक साइकिल्स का उपयोग कर सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन आपको लगभग 1000 या 1200 किलो कैलोरी खाना चाहिए और बाकी दिनों में 1500 किलो कैलोरी खाएं। ये ट्रिक आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा नहीं होने देगी और आवश्यक कैलोरीज को घटाने में मदद करेगी। तीसरा जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि एक वास्तविक प्लेटो और एक काल्पनिक प्लेटो के बीच अंतर होता है। जी, डाइट के शुरुआती दिनों के दौरान एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे शरीर से निकल जाता है, जिससे वेइंग मशीन्स पर नंबर्स तो क्विकली ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1 पाउंड वजन कम करने के लिए आपको 3500 कैलोरीज कम करने की जरूरत होती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन इतना तो श्योर है कि प्रोग्रेस तेजी से नहीं होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे वजन कम करना एक प्लेटो है, इसलिए वे रुचि खो देते हैं और डाइटिंग करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि धैर्य रखें और सप्ताह में 1 बार से अधिक वेइंग मशीन पर कदम बिल्कुल मत रखें। इस तरह से क्या होगा कि आपको प्रोग्रेस ज्यादा दिखाई देगी। चौथा है अधिक प्रोटीन और सब्जियां खाएं। माना जाता है कि कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट वजन कम करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति होती है। प्रोटीन और फाइबर से हमारा पेट जल्दी भर जाता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे हमें भूख लगती है। इसलिए यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मीठे फल खाने के बजाय लो फैट वाले मांस का एक टुकड़ा खाना ही बेहतर होगा। पांचवा आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने द्वारा किए जाने वाले व्यायामों को बदल दें। अस्तित्व के लिए लड़ रहे हजारों वर्षों ने हमारे शरीर को एक बहुत ही सिंपल सी बात सिखाई है कि संसाधनों को किसी भी तरह से बचाया जाना चाहिए। कुछ समय के बाद मानव शरीर आपके द्वारा किए जाने वाले एक्सरसाइजेस को अडेप्ट कर लेता है, इसलिए कई हफ्तों तक सेम एक्सरसाइज करने से प्रोग्रेस निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी, क्योंकि हम बोर भी हो जाते हैं इससे। तो इसके लिए केवल एक ही उपाय है, हर 1 से 1.5 महीने में 1 बार आपको अपना वर्कआउट प्लान बदलना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं। नए व्यायाम करें, नई मसल एक्सरसाइजेस करें, जिन्हें आप पहले नहीं करते थे उनको करें और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेट्स को आप बदलते रहिए। छठा है स्वादिष्ट भोजन करें। जी हाँ, यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन आप टेस्टी खाना भी खा सकते हैं। एक ही तरह का खाना लंबे समय तक खाने से हम बोर हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि काश हम कुछ टेस्टी खा पाते।
तो वेल, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी प्रोहिबिटेड फूड्स के कम अमाउंट तो डाइट प्लान में इंक्लूड करते ही हैं। इसलिए हमारे दिमाग को टाइम टाइम पर शांति मिलती रहती है। इसके लिए आप हफ्ते में एक दिन चीट डे रख सकते हैं। सातवां है, आप जो भी खाते हैं उसकी कैलोरिक वैल्यू को रिकैलकुलेट करते रहिए। वजन कम करने के लिए आवश्यक कैलोरीज की संख्या न केवल फिजिकल एक्टिविटी पर बल्कि बॉडी मास पर भी निर्भर करती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि एक अधिक वजन वाला व्यक्ति एक दिन में केवल 2000 किलो कैलोरी खाता है तो वो अपना वजन कम कर लेगा, लेकिन एक छोटी महिला भी यदि ऐसा करती है तो इससे उसका वजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसलिए प्रत्येक 10 पाउंड लूज करने के बाद आप अपने कैलोरिक वैल्यू को रिकैलकुलेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आठवां जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि स्ट्रिक्ट स्लीपिंग शेड्यूल रखें। जैसा कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, अगर आप एक बैड स्लीप ले रहे हैं तो वजन कम करना असंभव है। जी हाँ, इसके बहुत सारे कारण हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम आपको इसे संक्षेप में समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव से हमें भूख लगती है और इससे मेटाबॉलिज्म में भी बदलाव होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप भरपूर नींद ले। नौवीं महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कैलोरी इनटेक की गणना करते रहें। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि बिना किसी सुपरविजन के वजन कम करने वाले लोग कई हफ्तों के भीतर क्या और कितना खाते हैं इस पर नजर रखना बंद कर देते हैं। बेशक इससे आपकी प्रोग्रेस बंद हो जाती है और आप अपना वजन कम नहीं कर सकते हैं, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं। दसवां जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपके शरीर की विशेषताओं को ध्यान में रखें। देखिए, हर कोई जानता है कि अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीजें सूटेबल होती हैं। हर किसी की बॉडी हर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसलिए अपने शरीर के हिसाब से खाने का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक लेडी बहुत सारे टमाटर खाती है और इससे उसका वजन कम नहीं होता, जबकि ये भी एक सब्जी है और इसमें भी एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होती हैं। तब भी स्ट्रेंज ना, लेकिन इस केस में टमाटर से उसकी बॉडी में और पानी भरता था और उसका वजन कम नहीं हुआ। उसने टमाटर खाना छोड़ दिया तो अगले 2 दिनों के भीतर उसकी सूजन गायब हो गई। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और कौन सी चीज हमें सूट नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये है कि वेइंग मशीन पर ध्यान ना देकर मेजरिंग टेप का यूज कीजिए। वो आपके शरीर के हर हिस्से के फैट को कैलकुलेट करने में ज्यादा मदद करेगा। कुल मिलाकर एक नियम और दूसरा संयम अगर आप बरतते हैं तो वेट लूज करना वाकई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। आपको जरूरत है तो सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाकर उसे फॉलो करने की। तो दोस्तों, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी हमारे द्वारा दी गई टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।